तो भाई साहब यहाँ पे मुझसे कई सारे बंदों ने कमेंट सेक्शन में पूछा है कि भाई तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि यार हमारे गेम के अंदर ओल्ड वाला इरिंगल में फिर से बेक होने वाला है। तो उसमें आप लोगों को उसको लेके भी कई सारे ऐसे प्रूफ वगैरह देने वाला हूँ जो कि आप लोगों को एकदम कंफर्म करा देगी कि हमारे गेम के अंदर फिर से बेक होने वाला है ओल्ड वाला इरिंगल में। दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वगैरह होने वाला है। आप लोग नए हो चैनल को जल्दी जाकर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑल पर सेट करना। दोस्तों एक और चीज़ बता दूँ, आप लोग जो भी अच्छे से कमेंट वगैरह करते हो उनका दोस्तों मैं स्क्रीनशॉट लेके अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर डालता रहता हूँ। दोस्तों आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो वगैरह कर सकते हो, लिंक आप लोगों को इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो चलो दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों आप लोगों को क्या पता हमारे पबजी पीसी के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा मैप को प्ले किया जाता है? तो दोस्तों आप लोगों को ये चीज अगर नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे पबजी पीसी के अंदर सबसे ज्यादा शेनोक मैप को प्ले किया जाता है। एंड दोस्तों यहाँ पे उसके अंदर एक अपडेट आई थी जिसके अंदर शेनोक मैप को पूरा का पूरा अपग्रेड कर दिया था, यानी कि उसकी जो भी लोकेशन वगैरह थी सारी की सारी अपग्रेड कर दी थी, यानी कि आप लोग उसको बोल सकते हो शेनोक 2.0। एंड दोस्तों उस अपडेट के बाद यहाँ पे देखा जाता है पबजी पीसी गेम को मतलब खेलना छोड़ देते लोग, मतलब जो उसका जो ग्राफ था बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ जा रहा था। एंड दोस्तों यहाँ पे पबजी पीसी वालों ने ये चीज़ को देखा तो यार उसके बाद उन लोगों ने क्या किया था कि मतलब जो गेम था उसी के अंदर मतलब शेनोक जो ओल्ड वाला था उसको बेक किया है। एंड दोस्तों इसका मैं आप लोगों को प्रूफ वगैरह भी दिखा देता हूँ, आप लोग यहाँ पे इस वाले स्क्रीनशॉट में देख सकते हो। यहाँ पे पबजी पीसी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी पर इन लोगों ने ये पोस्ट वगैरह किया है जिसमें दोस्तों यहाँ पे एकदम क्लियरली इन लोगों ने लिख रखा है यहाँ पे शेनोक ओल्ड वाले को यहाँ पे इन लोगों ने रिटर्न किया है। एंड दोस्तों उन लोगों ने कुछ लोकेशन को यहाँ पे जो चेंज किया था उन लोगों ने फिर से दोस्तों उसको ओल्ड वाले लोकेशन में चेंज कर दे। आप लोग दोस्तों सारे के सारे स्क्रीनशॉट वगैरह देख सकते हो बिफोर देन आफ्टर वाले। अब दोस्तों आप लोग मुझसे ये भी कहोगे कि भाई तू पबजी पीसी की बात क्यों कर रहा है? तो दोस्तों यहाँ पे जो सिचुएशन जो बना है वो हमारे बीजीएमआई और पबजी वाले के अंदर भी सेम हो चुका है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमारे गेम के अंदर जब से इरिंगल 2.0 को एड किया है उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे लोगों का जो इंटरेस्ट वगैरह है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, बंदे गेम को बहुत ज़्यादा कम प्ले कर रहे हैं। एंड दोस्तों यहाँ पे जो भी ऑडियंस वगैरह है उसका ग्राफ जो भी है वो नीचे की तरफ धीरे धीरे जा रहा है, बंदे डेली मतलब गेम को खेलना कम कर रहे हैं। एंड दोस्तों बंदों का इंटरेस्ट वगैरह भी खत्म हो चुका है, क्योंकि दोस्तों जो हमारा ओल्ड वाला इरिंगल मैप था वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और उसको खेलने में भी मज़ा आता था। एंड दोस्तों जो अभी वाले जो न्यू प्लेयर्स वगैरह उन लोगों को नहीं पता कि भाई हम लोग ओल्ड वाले इरिंगल मैप की क्यों डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हम लोगों को पता हम लोग ओल्ड प्लेयर है तो हमारे को पता है हमारा जो ओल्ड वाला जो इरिंगल मैप था वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। क्योंकि दोस्तों अभी क्या हो चुका है कि जो हमारा न्यू इरिंगल मैप आया है ठीक है उसके अंदर दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को रिकॉल वाला फीचर्स देखने को मिल जाता है। दोस्तों आप लोगों को एक और चीज़ बता दूँ, हमारा जो ओल्ड वाला इरिंगल मैप हुआ करता था उसके अंदर डे और नाइट का एक शिफ्ट चलता था, मतलब रेंडमली वो मैच वगैरह लग जाता था। एंड दोस्तों उसके अंदर ऑटोमेटिक नाइट भी होता था फिर डे होता था। एंड दोस्तों फिर वही मॉर्निंग के टाइम पर जो मुर्गे की आवाज़ आती थी भाई एकदम लिटरली बता रहा हूँ भाई बहुत ज़्यादा मिस करते वो वाले सारी चीज़ों को। दोस्तों ये सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे खो चुके हैं। एंड दोस्तों आप लोग अच्छा बड़े तरीके से सपोर्ट वगैरह दिखा रहे हो मतलब ओल्ड वाले इरिंगल मैप को लेके, दोस्तों डेफिनेटली आप लोगों को ओल्ड वाला इरिंगल मैप देखने को मिलेगा, बिकॉज कि यहाँ पे पबजी पीसी के अंदर भी यही हुआ था, वहाँ पर उन लोगों ने शेनोक 2.0 को एड किया। एंड दोस्तों बंदों ने वहाँ पर गेम को बहुत ज़्यादा खेलना कम कर दिया था, तो दोस्तों उसी को ध्यान में रखते हुए उन लोगों ने फिर से ओल्ड वाला शेनोक मैप को डाल दिया। और दोस्तों बीजीएमआई 2.0 अपडेट तो हमारी ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है, तो दोस्तों इसके अंदर तो कोई चांसेस वगैरह नहीं है कि आप लोगों को ओल्ड वाला इरिंगल मैप देखने को मिले। बाकी दोस्तों इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट अपडेट्स वगैरह होगी उसके अंदर आप लोगों को फाइनली ओल्ड वाला इरिंगल मैप देखने को मिल जाएगा। एंड दोस्तों आप लोग सोचोगे कि यार अब इसको बनाने में तो यार टाइम लगेगा क्योंकि पूरा ओल्ड इरिंगल मैप को बनाना पड़ेगा, तो भाई ऐसा नहीं है, इन लोगों ने जो पहले का जो फाइल था उसको रिमूव किया तो दोस्तों उसको वापस डालने में कोई इतना टाइम भी नहीं लगने वाला है ठीक है, कट कॉपी पेस्ट वाला सीन रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों उन लोगों को पहले वाली फाइल को पेस्ट करना होगा एंड फाइनली आप लोगों का जो ओल्ड वाला इरिंगल मैप वो देखने को मिल जाएगा। एंड दोस्तों आप लोगों को ये भी पता होगा कि हमारे ओल्ड इरिंगल मैप के अंदर ठीक है नाइट विजन का भी यूज़ होता था, तो दोस्तों आप लोगों को बहुत ज़्यादा मजा आता था, मतलब नाइट जैसे ही होता था बंदे लोग कैंपिंग वगैरह करते थे। एंड दोस्तों आप लोग ये वाला जो गेम प्ले वगैरह देख रहे हो उसमें भी आप लोग देख के समझ पा रहे होंगे कि उस टाइम पे हम लोग कितना ज़्यादा इन्जॉय वगैरह करते थे। एंड भाई साहब क्या ही बोले यार, वो दिन की बात ही अलग है। वैसे तो दोस्तों मैंने आप लोगों के सारे डाउट्स वगैरह क्लियर कर दिए, बाकी दोस्तों मैं आप लोगों को एक और बात बता दूँ, आप लोग ओल्ड इरिंगल मैप को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हो, और दोस्तों आप लोग अगर ऐसे ही मतलब अपना सपोर्ट वगैरह दिखाते रहोगे तो मे भी आप लोगों को बहुत ही जल्दी आप लोगों के गेम के अंदर ओल्ड इरिंगल मैप बेक होता हुआ दिखने वाला है ठीक है गाइस। और दोस्तों कुछ बंदे ये भी पूछ रहे थे कि यार हमारे गेम के अंदर क्या 100 आरपी वाला फिर से रोल पास देखने को मिलेगा या फिर नहीं देखने को मिलेगा,
दोस्तों इसको लेके यहाँ पे थोड़ा सा ऑडियंस सपोर्ट थोड़ा सा कम रहने वाला है, बिकॉज कि दोस्तों यहाँ क्या होता है हमारे को अब मंथली रॉयल पास देखने को मिलता है। एंड पहले तो दोस्तों क्या होता था कि हमारे को 2 महीने में 1 रॉयल पास देखने को मिलता था, तो दोस्तों हमारे को 2 महीने में सिर्फ 2 आउटफिट मिलते थे। एंड दोस्तों अभी क्या हो चुका है कि 1 रॉयल पास के अंदर हमारे को 2 आउटफिट मिल जाते हैं, यानी कि 2 महीने में 2 मंथ के अंदर हमारे को 4 आउटफिट वगैरह मिलते हैं। एंड दोस्तों यहाँ पे हमको पहले क्या होता था कि 2 महीने में सिर्फ 2 आउटफिट मिलता था। दोस्तों इस चीज को लेकर थोड़ा सा ऑडियंस रिटेंशन थोड़ा सा कम है, इस वजह से आप लोगों को मे बी यार आप लोगों को 100 RP वाला रॉयल पास शायद ही देखने को मिले। बाकी दोस्तों इसके भी थोड़ा सा चांसेस वगैरह लग रहा है। बाकी दोस्तों इस चीज के ऊपर मैं आप लोगों को ज्यादा कुछ भी नहीं बता सकता, पब्लिक डिमांड के ऊपर भाई सब कुछ भी हो सकता है। दोस्तों आप लोगों का जिस तरीके से सपोर्ट रहेगा उस तरीके की चीजें हो सकती है, क्योंकि दोस्तों न्यू प्लेयर्स को तो यार 50 RP वाला रॉयल पास पता है, 100 RP वाला उन लोगों ने भी नहीं देखा, तो दोस्तों यार वो लोग तो 50 RP को ही सपोर्ट करने वाला है। ठीक है गाइस, दोस्तों यहाँ पे वही चीज है, तो दोस्तों इससे गेम को हेड भी मिल सकता है। बाकी दोस्तों आप लोगों को ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह कैसी लगी, अगर अच्छी लगता है वीडियो को लाइक करना, न हो तो चैनल को जल्दी जाकर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन कॉल पे सेट करना। तो यार बस आज के लिए इतना, तो और फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक खेलते रहिए बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया।